दूसरों को ठगने वाले लोग कभी सुख शांति नहीं पाते हैं, और दूसरों को सहारा देने वाले लोग कभी बेसहारा नहीं होते हैं, और दूसरों की प्रशंसा करने वाले लोग कभी निंदा के पात्र नहीं बनते हैं। धनवान की निंदा करने वाला धनहीन हो जाता, गुणवान की निंदा करने वाला गुणविहीन मूर्ख हो जाता है, विद्वान की निंदा करने वाला मूर्ख बनकर जिंदगी जीता है, सम्माननीय पुरुषों का अपमान करने वाला निंदा करने वाला कभी सम्मान नहीं पाता है। दुनिया से जो कुछ भी तुम चाहते हो वो सब दुनिया को देना शुरू कर दो। यदि तुम चाहते हो कि मुझे सब लोग नमस्कार करें तो तुम सबको नमस्कार कर लो, सबका आदर कर दो, सब ही मान प्रदे आप अमानी, सबका सम्मान करो। और कभी घबराओ मत, ये संसार में डरने वालों की हार होती है, जो निर्भय रहते हैं उनकी हार भी जीत में बदल जाती है, और जिनके पास में हिम्मत है खोया हुआ भी सब पुनः प्राप्त हो जाता है, जिनकी हिम्मत टूट जाती है जो प्राप्त हुआ है वो भी एक दिन खो जाता है और जिंदगी खोखला हो जाती है। इसलिए हिम्मत का भी खेल है, कभी हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम, हिम्मत को मत हारो। इस संसार में जो भी तुम देख रहे हो ये सब नाशवान है। गाड़ी लाओगे 20 साल के बाद वो भी नष्ट हो जाएगी, मकान बनाओगे 100 साल के बाद अपने आप टूट जाएगा, कपड़े खरीदोगे 1.5 साल बाद वो भी फट जाएंगे, घड़ी लाओगे 3 साल बाद वो भी बिगड़ बिगड़ा के इधर उधर हो जाएंगे। कुछ भी यहाँ स्थायित्व तो नहीं है, सब टेम्परेरी है। इसलिए ये संसार की चीजों में भी भूलो मत, इनके लिए दुखी मत हो, और किसी के साथ में चालाकी चतुराई मत करो। मुझे एक सज्जन बाराबंकी जिले में जमीन देने के लिए आए कि 10 बीघे जमीन है, 10 करोड़ की, ले लो आश्रम बना लो, 4 साल पहले बोले थे। तो मैंने कहा ले लेंगे ठीक है, फिर हर साल बोले नहीं लिया। इस साल वो 4 महीने से आश्रम में है, बोले जब तक लोगे नहीं तो हम जाएंगे नहीं। तो हमने कहा तुम नहीं जाओगे तो हम ही चले जाते, तो हम बिहार आ गए। तो परसों फोन आया था कब आओगे, तो हमने कहा जब तुम जाओगे तो हम आएंगे, हम तो मई में आएंगे। अरे बोले ये लिखा लो। तो एक दूसरा आदमी हमसे बोला, चुपके से बोला, थोड़ा अलग मिलना है, मिलो। तो बोला इसको जल्दी लिखा लो नहीं तो मास्टर साहब का मन बदल जाएगा, ऐसा मेरे से बोला। तो मैं उसकी ओर ऐसे देखा, हमने कहा बेईमानी सिखाते हमको, क्यों हम जल्दी लिखा ले, मन बदल जाएगा तो उसमें हमें परेशानी क्या है, हम तो बेगूसराय में वो 10 लीटर खीर आई तो खा ही लेंगे, हमें क्या टेंशन हुआ, बदल जाने दो मन। बोलते जल्दी बल्दी कर लो नहीं मन बदल जाएगा, हम क्यों किसी को ऐसे अड़बड़ अड़बड़ करके ठग लें, हम नहीं लिखाते। 5 साल हो गए अभी भी नहीं लिखाया हूँ। अब बहुत पक्के मन हो गया कि अब देना ही है, ले लूंगा आश्रम बना दूंगा, बस प्रवचन करूंगा बरसात में वहां। अब वहां जितना थोड़ा कुछ साधुओं में भी होते ना कुछ कम बुद्धि के, आजू बाजू में उनके पड़ोस जो साधु रहते वो डरे हुए हैं कि अगर असंग साहेब का आश्रम बन गया तो उन्हीं का प्रभाव छा जाएगा, मेरा क्या होगा। हमने कहा तुम भिखमंगा हो गए, हम भीख देंगे और क्या क्या होगा। अरे मैं तो ऐसा संत हूं हर साधु को मदद कर देता हूं, मैं किसी को वो थोड़े करता, वो डरे हुए हैं। एक साधु कहता तुम आ जाओ, तुम आ जाओगे यहाँ तो हमारा भी कल्याण होगा। वास्तव में दिल में उदारता होना चाहिए, और कभी अपना विकास हो उन्नति हो तो आसपास वालों को भी मदद करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उनके शुभ कामनाओं से उनके सद्भावों से हमारा विकास हो रहा है। इसलिए हमारे विकास में 10% उनका भी है जो हमसे जुड़े हुए। जय जय
जय। क्योंकि सहयोग करना परम धर्म है। शरीर से सहयोग करो, बुद्धि से सहयोग करो, धन से सहयोग करो, मन से सहयोग करो, और तुम्हारे पास जो भी शक्ति हो, सत्ता हो, शासन हो, प्रशासन हो, योगदान कीजिए। एक मिनिस्टर कह रहा था, मैं जहां जाता हूं लोग हमसे बड़ी अपेक्षा रखते, जहां जाता हूं कोई ये एप्लीकेशन देता, पुल बना दो, कोई बोलता रोड बना दो, कोई बोलता ये कर दो। तो हमने कहा, गाय से सभी अपेक्षा दूध की रखते हैं, गधी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। मंच पर ही वार्तालाप हुआ, माइक में बोला मैं, उन्होंने भी माइक में बोला। हमने कहा आप मिनिस्टर हो इसलिए लोग अपेक्षा रखते हैं, बबूल के पेड़ से कोई अपेक्षा नहीं रखता कि आम का फल मिल जाए, लेकिन आम के पेड़ से सबको अपेक्षा है कि आम का फल एक मिल जाए। जय हो। आप इस योग्य हो, मिनिस्टर हो, नेता हो, शासन में हो, तो आपसे लोगों की अपेक्षा है। जैसे कहीं मारपीट हो रही हो, पुलिस जवान वहां पर निकले गाड़ी लेकर, लोग पुलिस की गाड़ी देखते ही अपेक्षा रखते हैं, अब पुलिस आ गई या मारपीट बंद हो जाएगी, हम बच जाएंगे, अपेक्षा है। लेकिन पुलिस अगर लीडर है तो ऐसे झांक के निकल गई, बात खत्म। और पुलिस जवान अगर दबंग है तो उतरेगा, बोलेगा कौन है, हट हट, डपट लगा देगा, सब लड़ाई बंद। इसलिए बहुत जरूरी है हमसे अपेक्षा, गुलाब के फूल से खुशबू की अपेक्षा लोग रखते हैं, ना कि कोई गटर से अपेक्षा रखता है कि खुशबू आ जाएगी। आप में वो योग्यता है, गुण है, प्रतिभा है, इसलिए लोग अपेक्षा रखते हैं। मुझसे अपेक्षा रखते हैं गुरुदेव प्रवचन सुनाएंगे, क्योंकि गुरु में प्रवचन सुनाने की कला है, इसलिए अपेक्षा रखते हैं। वो हमारे चेला से कोई अपेक्षा नहीं रखता कि ये प्रवचन सुनाएगा, उसको अभी माइक दे दूं तो इसमें 50 लोग उठ के आ जाएंगे, माइक छीन लेंगे। अरे बोले धर माइक, तो टाइम पास करता, ले लेंगे माइक उससे और कहेंगे पकड़ना मत दोबारा, नहीं कल ठीक कर दूंगा। तो जिसमें जो गुण है उससे तो अपेक्षा लोग करेंगे ही, और मुझे खुशी होनी चाहिए यदि लोग हमसे अपेक्षा करते, कम से कम हमारी उपेक्षा तो नहीं करते, हमारा निराधर तो नहीं करते। जब पानी बरसता है तो हाथ में जो छाता है, सभी अपेक्षा करते हैं कि छाता लगा लूंगा तो पानी में भीगने से बच जाऊंगा। कहीं यात्रा करनी होती है तो सबको अपेक्षा रहती है, अभी गाड़ी आ जाएगी हमारे भाई साहब की, उसमें बैठ लूंगा तो हम भी सत्संग में पहुंच जाएंगे। सारा संसार अपेक्षा से चलता है, और जो बहुत लोगों की अपेक्षाओं को पूर्ण कर सके वो धरती का जीता जागता नर के रूप में नारायण होता है, जो बहुत लोगों की कामनाओं को पूर्ण कर रहा है। अपनी बहन को भी सहयोग कीजिए, भाई को भी सहयोग कीजिए। आप मन में भाव बनाइए कि सबको मदद करूंगा, देवरानी जेठानी को भी मदद करूंगी, ऐसा सोच लो। ससुराल वालों को भी मदद करेंगे, तुमको मदद करने योग्य ये कुदरत बना देगी, मदद करने योग्य ये प्रकृति तुमको तैयार कर देगी। चितरंजन दास ये समझ लेना, तुम सोचो तो मन में कि मुझे ये करना है, तुमको उतना ही मजबूत ये कुदरत बनाकर खड़ा करेगी कि सबको सहयोग कर सको। आज यहाँ समागम हो रहा है, ये हमारे केदार जी महतो साहब ने सोचा बिचारा, इधर आओ, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, इनको मैं कल तक साधारण ही समझता, मैं सोचता था अरे वो जब सनहा परोरा के सनहा परोरा में मिले तो मैं सोचा ये बाबा सत्संग क्या कराएंगे, गले में गमछा डाले, धोती पहने और लुंगी बांधे घूम रहे हैं, तो मैं सोचा अरे बोल रहे हैं चलो नोट कर लो कोई बात नहीं। लेकिन कल जब इनके घर गया मैं, अरे वहां छत के ऊपर जब इनका हमने सिस्टम देखा, मैं तो दंग रह गया। तीसरी मंजिल की छत पर मंडप लगाकर मेज कुर्सी, और जब संतों को भक्तों को खिलाने लगे स्वयं लाला करके, इस उम्र में उनका बच्चा राजीव भी बहुत प्यारा है, उनकी बहुएं महान हैं, यहाँ बैठी है, कहाँ है बहुएं, खड़ी हो जाओ ना, ये देखो मीरा इनकी पत्नी है, बहू कौन, खड़ी हो, ये देखो और कोई बहू है, खड़ी हो जाने, दूसरे को बहू बना दूंगा, चार पतोहू है, अरे मैं बहू बोलता हूँ पतोहू है।
अरे इतनी ये महान है पुतोहू और महिलाएं, मालपुआ बनाया, मालपुआ और मालपुआ सबके पास में चार चार बार परोसा। कुछ लोगों ने चार खाया, कुछ ने आठ भी खाया, और कुछ ने इतना खाया कोई काउंटिंग कर ही नहीं पाया। वो परोसने वाला भी भर भर के तसला परात डाल देता था। मैं भी एक मालपुआ खाया और खाते ही मैं बेहोश हो गया, तो वहीं लेट गया, और लेट गया तो मेज लगी थी, आड़ हो गया तो सो गया, तो कोई मेज हटा दिया। जब सो गया तो मुझे कुछ फील हुआ कि मेज हट गई तो उधर महिलाएं देखेंगी कौन सोया, गुरुजी क्यों सोए, तो फिर डर के उठ गया। अब एक से एक आदमी भी तो है, खामखा मेज हटा दिया बस। हाँ, बहुत प्रेम हो लेकिन बुद्धि ना हो तो उल्टा ही काम करेगा। प्रेम तो बहुत है, तुम सो रहे हो तो उस समय बाल्टी में पानी लेकर निकलेगा, तुम्हारे ना ऊपर गिर जाए बाल्टी लेकर। हाँ, सब रजाई में पानी भरेगा, हो गई नींद पूरी। ये भी खूब हंस रहे हैं, बहुत प्रेम है, धन्य हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ, इतनी सेवा किया, किशमिश काजू बादाम और अंगूर संतरा और मालपुआ और खीर खिलाया। फिर बोले कल भी आना है, परसों भी आना है, तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले रोज मालपुआ खाना, हमने कहा कतई नहीं। तो बोले नहीं नहीं हम संकल्प ले लिए, हमने कहा हम संकल्प तोड़वा देंगे। तो आज हमने उनको मना कर दिया, मैं नहीं वहाँ जाऊँगा, खीर मालपुआ नहीं खाऊँगा, क्योंकि गुरु को बहुत खाना भी नहीं चाहिए, गुरु को बुद्धि का काम है, नहीं तो फिर जो होगा सो होगा, प्रवचन तो नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। तो गुरु को बहुत संभल के रहना चाहिए। तब मैंने सोचा उनकी श्रद्धा क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, और उनको यही अपेक्षा थी कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, असंग महाराज पधारें और हमारे यहाँ सत्संग सुना दें और बलिया और बिहार वालों को धन्य कर दें, यही एक उनकी भूख थी।